नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। तो सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है आपका पेपर शेयर करते हैं और आप अपने पेपर के बारे में बताइएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारे सुविज्ञ लोग हमारे पास हैं यहाँ पे, तो मैं इसको शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ आपसे। नमस्कार मित्रों, सोशल रिसर्च फाउंडेशन में मैं राजीव मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज हम जिस रिव्यू पेपर की बात कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का रिव्यू पेपर है और इसी की समीक्षा, इसी रिव्यू के लिए हमने ये पैनल डिस्कशन आयोजित किया हुआ है। मैं जो हमारे आथर सर हैं वो हमारे साथ हैं और दो रिव्यूअर भी हैं, फर्स्ट रिव्यूअर और सेकंड रिव्यूअर। हम लोग एक दूसरे का परिचय खाली इसलिए नहीं जानते कि जर्नल ब्लाइंड पीयर रिव्यू की श्रेणी में आता है, बस उद्देश्य खाली ये है कि जो अभी तक हम रिव्यू लिख के हाथ से देते थे तब कई बार आथर और रिव्यूअर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता था, हम अपनी बात समझा नहीं पाते थे या हम आपका वाया मीडिया उस काम को नहीं कर पाते थे। तो हमने इस काम को एक प्रयोग के तौर पे किया है कि इससे शायद भारत में जो रिसर्च की स्थिति है, रिसर्च पेपर लेखन की स्थिति है, वो और अच्छी होगी और हमारा उद्देश्य किसी भी कीमत पे किसी रिसर्च को हतोत्साहित ना करके बल्कि समाज के समक्ष एक अच्छी सी रिसर्च निकाल के रखना है। तो मुझे लगता है कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन का ये कदम आप भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं सर आपका पेपर शेयर करने की अनुमति चाहता हूं। पेपर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, इसमें जो मुझे मोटे तौर पे दिखाई दे रहा है वो एड वन मोर रेफरेंस इन योर पेपर। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई, बाकी आप हमारे रिव्यूअर्स को अपना पेपर जो है सर वो बताएं। वेल, थैंक यू सर। सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आई प्रेजेंटेड माय पेपर फॉर द पब्लिकेशन एंड दिस इज रियली नाइस टू नो दैट देयर आर द रिव्यूअर्स एंड इन द ब्लाइंड रिव्यू दे कैन आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चंस। दिस पेपर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द माइक्रो लेवल स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न of one of the village which is located in north of Delhi, within the national capital territory of Delhi. In Delhi, there apart from urban area, there is the rural area is also located. In that rural area, in north side Delhi, very close to Singhu border and very close to river Yamuna, this village is located. So this, when we talk about the revenue village includes the entire geographical area of the village, including agricultural land, water bodies, pasture land, forested area, including the settlement. So this village, one of the villages called Mukhmelpur, is located in north of Delhi. And this village is having two
peculiar geographical advantages. One is because it is located very close to river Yamuna, so the subsoil is rich with this sand. Sand is the important building material item which is required for the construction activities in Delhi. So this village is rich with the resources. Second is this village is very close to the urban area. In the urban expansion of Delhi, when Delhi is exploding outside, there is the pressure or unplanned settlement, and the non-agricultural land uses are taking place in the village. So basically, because of these two advantages, this village is losing its pristine natural environment. Water bodies have depleted. Agricultural topsoil is removed through the sand mining in the area. So the quality of the like agricultural intensity of the region has decreased. Net sown area and gross sown area both are decreased in the village. Basically, what happened? The entire habitat of the region has been altered in last 3 decades. Actually, I collected the information of one village in the village panchayat office, sitting with the Gram Patwari, having the revenue cadastral map of the village, as well as the headman and the other 10 more senior citizen farmer of the village. उन सब के साथ बैठ के आई कलेक्टेड द डेटा कंपाइल्ड डेटा विद द पटवारी आई मीन रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज एंड आई फाउंड देयर आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज how the population pressure is increasing pressure on natural resources and also to inquire the intensity and frequency of depleting natural resources of the village. So when the natural resources are depleting, it leads to deteriorate the carrying capacity of the region. Subsequently, one more objective of the study is to suggest the sustainable roadmap for humans and the natural resource coexistence. Insaan bhi rahe, nature ka bhi resource sustain kare. So ultimately to suggest the roadmap for the future. So this is basically environment and development crisis. Wherever the development takes place, humans encroach on the environment and deteriorate the quality of environment. So this is basically the study of crisis between the development and environment. So on this, in the once village was identified very close to river Yamuna, very close to urban area, and village is having heterogeneous land use. So I have a booklet of the primary data I collected, the primary data I am having, which I collected from the Patwari here in my field book. In 1990 and 2020, like in 30 years, what kind of changes in land use have taken place in the village? Gaon mein total 562 acre land hai. 1990 में सेटलमेंट उस गांव की 562 में से 31 एकड़ पे सेटलमेंट थी 31 एकड़ आज गांव में 54 एकड़ पे सेटलमेंट हो गई है सो सेटलमेंट एक्सपेंडेड ऑलमोस्ट डबल एक्चुअल सेटलमेंट कल्चर कल्टीवेटेड एरिया कल्टीवेटेड और कल्चरेबल एरिया It was 407 acre. This is interesting statistics. 400 and yes, sir, this map is visible to you.
दिस इज द मैप, रेवेन्यू मैप आई कलेक्टेड फ्रॉम द गूगल एंड कंपेयर्ड विद द पटवारी मैप. यस एग्जैक्टली दिस इज द विलेज हियर. इसका जो इनहेबिटेड एरिया है इन द सेंटर इट इज रिटन हियर द प्राइमरी एमसीडी डिस्पेंसरी एंड ऑल. 1971 में 31 एकड़ पे थी, अब 54 एकड़ पे है. एंड द कल्टिवेटेड एरिया वाज 407 एकड़ एब्सोल्यूट पटवारी के रिकॉर्ड में ऑन द विद द हेल्प ऑफ द ग्राम पंचायत 1990. सो नाउ इट रिड्यूस टू ओनली 75. यानी कि 400 एकड़ से भी ज्यादा पे खेती होती थी, अब केवल 75 पे होती है. देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन नेट सोन एरिया और इन द कल्टिवेटेड एरिया. बट मोस्ट इंटरेस्टिंग हियर इन द लैंड यूज इज 106 एकड़ लैंड वाज द फॉरेस्टेड लैंड इन 1990. 106, बट नाउ सर कैन आई सी द अगेन द सेम मैप हियर. या यू आर शोइंग, प्लीज कैन यू जूम द सेम मैप हियर. द फॉरेस्टेड एरिया हैज इंक्रीज्ड इन द यस इन द वन साइड इन द कॉर्नर ऑफ दिस इट इज रिटन भारद्वाज फार्मेसी. इट इज रॉन्गली मेंशन भारद्वाज फार्मेसी. इट इज फॉरेस्टेड एरिया. It's all forest area. In 1990, it was not the forested area. Actually, this village is, yes, this all is the forested area. And this village was basically located, there are the two canals. One is the horizontal and one is the perpendicular canal is there. Both these canals join each other and collecting the water from two industrial region. One is Narela industrial region, one is Bawana industrial region. These are the two big industrial region of Delhi, and one is the Kundli industrial region. All the water comes through these drain, and this is the area where Delhi government is planning to have the water treatment plant. And this land was procured for water treatment plant because these canal drain the industrial waste to river Yamuna. Before draining it to the Yamuna, government procured this land, but the water treatment plant was not developed, and this entire land converted into a forested land. That's why the forest cover of the village has increased. So forest cover of the village has increased from 106 acre to 170 acre. Simultaneously, the number of talab and the water body of the village decreased from 6 water bodies at different locations in the revenue village to now only 1. And the 1 is not getting sufficient amount of water. Number of public utility land reduced from 6 acre to 5 acre. But the number of farmhouses increased. In the farmhouses means urban suitcase dwellers, urban suitcase farmers, they purchase the land in the outer periphery of city. They purchase the agricultural land, put the boundary and the fencing around it, make it a gated complex and used for the commercial and recreational activities, but not for the agricultural activities. So the number of in 1990 there were the 6 farmhouses of different size, 1 acre to 4 acre. Now village is having 24 farmhouse, 24 acre of the land is having the farmhouses. And the most important change in the village, why I am talking about the crisis, environment crisis, is that in 1990 in village there was no culturable waste. Every land was cultivated land. But now in 2020, 233 acre of the land is culturable waste. This is very alarming and surprising figure, how more than half of the village, total land of the village is altered into a culturable land to the culturable waste. It is because of the sand mining. Because farmers started selling out their land to the sand mafia for the building, because Delhi city urban area required lot of construction material. Bahut sara construction ke liye sand chahiye.
रिवर यमुना में एनजीटी ने तो बैन किया हुआ है, सो रिवर यमुना में से तो माइनिंग नहीं कर सकते, किसान से खेत लेके उसके नीचे 50 फीट 60 फीट 80 फीट की गहराई तक सैंड माइनिंग कर दी, तो सैंड सारा निकाल लिया। अब सारा सैंड निकालने से पूरा एग्रीकल्चरल लैंड इलाके का सारा डिस्टर्ब हो गया, दैट डिस्टर्ब द ग्राउंड वाटर टेबल, दैट डिस्टर्ब द चैनल्स ऑफ द इरिगेशन, दैट डिस्टर्ब द फर्टिलिटी ऑफ द रीजन, एंड द एंटायर रीजन कन्वर्टेड इनटू अ अंडुलेटेड टोपोग्राफी एंड एज ए वेस्ट लैंड। सो विलेज गांव उस माइनिंग से बहुत मैजिकल चेंज आया, द फ्लोरा ऑफ द विलेज गेट चेंज, पूरा जो नेटिव वेजिटेशन थी, द नेटिव ट्री ऑफ द एरिया, दे आर रिप्लेस्ड और सक्सीडेड बाय द प्रोसोपिस जुली फ्लोरा। प्रोसोपिस जुली फ्लोरा इज बेसिकली ए काबली कीकर, विच इज लोकली नोन एज काबली कीकर, इट इज ए काइंड ऑफ बुश दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट बुश, एंड दिस इकोलॉजिकल टेररिस्ट प्लांट हैज रिप्लेस्ड वैरायटी ऑफ ट्रीज इनटू वन वैरायटी ऑफ, सब जगह एक ही जैसा पेड़ दिखाई देगा, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देगा। सो ऑल द बबूल, एकेसिया इंडिकस, एकेसिया निलोटिका और एकेसिया सेनेगल, जो इंडियन एकेसिया थे वो गायब हो गए, नीम गायब हो गया, सीसम गायब हो गई, पीपल गायब हो गया, the local native trees of the region, but and they all are replaced by one tree, that is Prosopis juliflora, and it deteriorated the fertility of the soil, groundwater table also deteriorated over the time, when the because of the proximity of the village to the urban area located in the outer margin of the city, the agricultural land price also started increasing, though distance decay factor exists, but in 1990 mein jab main gaon ke kisanon se baat kar raha tha, they said 1980s mein there was the rate, yes sir, this data is of traditional water bodies, so this is the cropland forested area and the traditional number of traditional water bodies, the actual number and the actual land I have shown in this table. But please come over to the second table, as I have already discussed the first table. Second table, please come to the next table, sir. Yeah, this is the next table. Yeah, this is the one. You can see, sir, increasing rate of the land price per acre. So how the farmers are, because agriculture left no more remunerative once they sell out the topsoil for the brick kilns and the sand mining work together, land is converted into wasteland and farmers were not able to use the land properly. So this agricultural, the price of the land started, farmers started selling out their farmland. So in 1980s, from 30,000 to 1990 to 2000, its price become 30,000 से 1,00,000 में एक एकड़ मिलता था। 2000 से 2010 के बीच में ये लगभग 1,00,000 से 1.5 करोड़ तक रेट पहुंच गया, सॉरी 1.5 लाख तक रेट पहुंच गया, यस, और 2010 में 1.5 लाख से 4 करोड़ तक रेट पहुंच गया, और 2020 में अब तो 4 करोड़ भी मांगते हैं और 6 करोड़ भी मांगते हैं किसानों से। मैंने खुद बात की तो वो कहने लगे हम तो 6 करोड़ में बेचेंगे, लेकिन इट मींस द प्राइस इज इंक्रीजिंग, farmer get one time huge lump sum money, so they, and the land is undulated. So this, the price of the land is increasing. And one more aspect I want to discuss is the natural resources. Can you show us the next table, sir? Since this table is visible, the next table on this screen. One more table is there. So that would be easy to interpret. Next table, please.
सर यही है ना, नेक्स्ट टेबल यही है, थर्ड टेबल है ही, हाँ यही टेबल नंबर है, थर्ड। यस यस यस, दिस इज द राइट, आई वाज वेटिंग। एक्चुअली देर इज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस विलेज। दिस विलेज इज लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ रिवर यमुना ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन 1930s टू अवॉइड द फ्लड इन दिल्ली रिवर। दीज कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू सस्टेन द फ्लड वाटर ऑफ रिवर यमुना टू ओवरकम द बर्डन ऑफ फ्लड ऑन दिल्ली सिटी। 1930 में लगभग दिल्ली का फ्लड का प्रेशर कम करने के लिए कैनाल बना दी थी कि कुछ पानी इधर डाइवर्ट हो जाएगा। सो दिस विलेज वॉज ऑलवेज फ्लडेड, बट इन 1979 देर वॉज द फ्लड इन द विलेज एंड दिल्ली ऑल्सो। पूरी दिल्ली डूब गई थी उस साल। तो फिर दिल्ली के इसके दोनों राइट मार्जिन एम्बैंकमेंट बना दी दिल्ली से बॉर्डर तक। आई मीन दिल्ली में वजीराबाद से और बिल्कुल राजघाट से लेकर और दिल्ली के बॉर्डर तक 30 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया। तो इस गांव में फ्लड आना बंद हो गया और वो कैनाल भी बंद हो गई। कैनाल के बंद होने से सो द विलेज लॉस्ट द ग्राउंड वाटर साइमल्टेनियसली। ये वो टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ गया था। सो फार्मर स्टार्टेड यूजिंग ग्रोइंग द पैडी ओवर हियर एंड द ग्राउंड वाटर टेबल स्टार्टेड डिप्लीटिंग। तो ये जो टेबल है सर, एक बार टेबल ऊपर से दिखाएंगे, मैं इस टेबल को जरा ऊपर थोड़ा सा ऊपर करेंगे टेबल को एक नंबर से। यस 1970, 1990 और 2020 बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। इससे इस गांव की सारी पिक्चर ग्राफ पता चल जाएगा। नंबर ऑफ फंक्शनल ट्यूबवेल्स व्हाट पटवारी सेज देयर वर 5 ट्यूबवेल्स इन 1970, क्योंकि 1970 में सब गांव में सबके पास बिजली भी नहीं थी, क्योंकि 68 में बिजली आई थी गांव में। तो 70s में कुछ किसानों ने ही ट्यूबवेल लगवाए थे, 5 ट्यूबवेल थे, जो 1990 में 28 ट्यूबवेल हो गए ऑल इलेक्ट्रीफाइड। और बट 2020 में वो सब ट्यूबवेल घट के पूरे गांव में नो ही ट्यूबवेल बचे। इट मींस ऑल एग्रीकल्चरल लैंड इज कन्वर्टेड इनटू कल्चरेबल वेस्ट लैंड। सेकंड इज नेट सोन एरिया अंडर राइस ड्यूरिंग समर खरीफ क्रॉप। जब चावल बोते थे 1970 में पूरे गांव में सिर्फ 1 या 2 एकड़ पे ही चावल बोया जाता था, बट 1990 में 110 एकड़ पे चावल बोया जाने लगा। और वो चावल फिर बढ़ा और 2020 में तो अब कोई बोता ही नहीं, 12 एकड़ जमीन पे चावल बोया जाता है, क्योंकि जमीन बोने लायक ही नहीं बची, उबड़ खाबड़ हो गई या फार्म हाउस बन गए। और फार्म हाउस जहां बन गए उन्होंने दूसरे किसानों के पानी के आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। फेलो लैंड बहुत इंटरेस्टिंग है। उस जमाने में खाली जो किसान जमीन छोड़ देते थे फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, 1970 में 30% एग्रीकल्चर लैंड फेलो रह जाती थी समर सीजन में या रेनी सीजन में। 1990 में एग्रीकल्चर का इंटेंसिफिकेशन इतना तेजी से बढ़ा कि 5% लैंड पे ही फेलो लैंड थी, एंड इन 2020 फेलो लैंड इंक्रीज टू 80%। आई मीन पूरे गांव की 80% लैंड खाली बंजर भूमि पड़ी रहती है क्योंकि वो बोने लायक नहीं है। साइमल्टेनियसली सी द मैजिकल फ्लक्चुएशन इन ग्राउंड वाटर टेबल। इट बिकम फ्रॉम 15 feet, पानी में जमीन में 15 फीट पानी होता था 1970 में, 15 फीट 10 फीट पे पानी निकल जाता था गांव में फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रिवर यमुना। 1990 में इतना चावल पैदा किया किसानों ने कि 250 फीट पे पानी चला गया नीचे, और अब कोई पैदा कुछ नहीं करता, केवल ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो 200 फीट पे अभी भी वाटर टेबल स्टैंड करता है। ये 200 इसलिए है कि जो माइनिंग किया सैंड माइनिंग, उससे ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया। जिस सैंड माइनिंग को एनजीटी किसी भी रिवर में एक लिमिट से ज्यादा खोदने के लिए मना करती है, वही प्राइवेट किसानों ने, इसलिए तो एनजीटी रिवर में ड्रेजिंग इसलिए मना करती है कि उसका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, वही यहां हुआ इस गांव में। अगर गांव का एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन देखें तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स
1970 में 3 ट्रैक्टर थे, 1990 में 19 ट्रैक्टर गांव में हुए, आज केवल 7 ट्रैक्टर है। साइमल्टेनियसली वाटर बॉडीज, 6 वाटर बॉडी थी, 2 रह गई और अब एक है। वो एक भी गांव का गंदा पानी एक्यूमुलेट करती है, उसमें फ्रेश वाटर नहीं रहता। और नंबर ऑफ शेयर और द नंबर ऑफ फैमिली इज रियरिंग डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक इन विलेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंडिया में लाइव स्टॉक इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइव स्टॉक रियरिंग फॉर मिल्क एंड द अदर बाई प्रोडक्ट। लेकिन इस गांव में 1970 में 75% परिवारों के पास पशु थे, गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोड़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइव स्टॉक। 1990 में इट लेफ्ट विद 40%। और आज इंटरेस्टिंग, आपने इस गांव का इमेज देखा, एग्रीकल्चरल लैंड है, अंडुलेटेड है, बट एनिमल लाइव स्टॉक केवल 2% फैमिलीज के पास है। सो दिस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन इज डिक्रीजिंग, दो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द विलेज इज इंक्रीजिंग, सो प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज इट इज इंक्रीजिंग। सो बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग ग्राउंड वाटर, डिप्लीटिंग लैंड एंड डिसअपीयरिंग लाइव स्टॉक, इस गांव में 2 चीजें मैंने देखी। एक किसान को आइडेंटिफाई किया, उसने 2 काम किए हैं टू इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी इन प्रेजेंट कंडीशन। वन इज गांव में बाहर के लोगों ने आके गांव की खाली जगह को किराए पे लेके वहां 4 से 5 डेयरी खोल दी। एक डेयरी में 10-15 भैंसे रखते हैं, गाय रखते हैं, वो उसी में रखते हैं क्योंकि जगह तो खाली है। 1 एकड़ किराए पे ले लेते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ हरियाणा से, कुछ फैमिली आके, और वो दूध बेचते हैं गांव वालों को ही, गांव वालों की जमीन पे अपने पशु रख के, क्योंकि गांव वाले पशु नहीं पालना चाहते। उससे बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आया, गोबर बहुत पैदा होता है लेकिन उस गोबर का यूज क्या करें, गोबर का यूज होता ही नहीं क्योंकि खेती नहीं करते, तो बायोमास भी नहीं बनेगा, मैन्योर भी नहीं बनेगा। तो एक किसान ने उस गोबर को यूज करने के लिए, और उस गोबर को क्या करते थे लोग, जो गांव के साथ में से जो ये नाला चलता है, नहर चलती है, जो अब इंडस्ट्रियल एरिया का पोल्यूटेंट फ्लो करता है, उसमें उस पोल्यूटेड वाटर के अंदर गोबर को फेंक देते थे क्योंकि डिस्पोज ऑफ तो करना है, कोई खरीदार है नहीं उसका। एक किसान ने IIT दिल्ली के साथ कोलोबोरेशन करके, IIT दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाला डिपार्टमेंट बनाया है, उन्होंने एक बायोगैस बना दिया। उस सारी वेस्ट गोबर का यूज करने लगे और उस फार्मर में 75 से 100 kg काउ डंग इज यूज टू जनरेट 18 to 20 kg मिथेन एवरी डे। उसमें 18 से 20 किलो मिथेन वो बनाते हैं एंड दैट इज वेरी प्रोडक्टिव। और वो सारे गांव के लिए, कभी भी ब्याह शादी कुछ होता है, सबके लिए फ्री मिथेन गैस बनती है, बड़े बड़े चूल्हे चलते हैं, सबके लिए अवेलेबल है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उससे जो मिथेन अल्टीमेटली एटमॉस्फियर में जाके ओजोन लेयर को ब्रेक करती, उस मिथेन को वहां ट्रैप कर लिया। दूसरा, उसी किसान ने एक छत पे, अपनी पूरी छत पे सोलर पावर प्लांट लगा दिया, 250-250 वाट की 200 प्लेट लगा दी, 50 किलोवाट सोलर एनर्जी। दिन में वो एक दिन में 180 से 220 यूनिट भी किलोवाट आवर, 220 यूनिट भी टोटल बिजली बनाता है। तो हमने उसको एवरेज निकाला, एक पूरे साल में हर रोज 180 से 170 यूनिट बिजली हर रोज बनाता है, और एक यूनिट उसको कमर्शियल यूज करते हैं, वो कमर्शियल वहां काम होता है, एक इंडस्ट्री को वो बेचते हैं कमर्शियली, और इंडस्ट्री से 13 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं। सो दिस फार्मर इज अर्निंग फ्रॉम सोलर पावर प्लांट लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ। टाटा पावर उल्टा उनको पे करती है उस इलेक्ट्रिसिटी का। So this is one of the like how to, this is the suggestion of sustainable roadmap for human and natural resources.
दिस इज द स्टडी एट माइक्रो लेवल टू फाइंड आउट हाउ द डेवलपमेंटल क्राइसिस इज टेकिंग प्लेस एंड हाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन टू ओवरकम द प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा पेपर है आपका, बहुत ही बढ़िया और प्राइमरी डाटाबेस पेपर है. मुझे लगता है कि हमारे सेकंड रिव्यूअर सर हमारे साथ हैं और वो बहुत खुश होंगे इस तरह की स्टडी देखकर. मैं आपको पूरा विश्वास है मुझे, मैं उनके चेहरे से भी देख पा रहा हूं और मुझे बड़ा विश्वास था, इसीलिए मैंने सर को स्पेशल कहा था कि सर प्लीज आप इस मीटिंग को ज्वाइन करिएगा, एज अ रिव्यू आपको रिव्यू देंगे और आपकी वरिष्ठता को भी मेरा प्रणाम है. मैं सीधे सीधे फर्स्ट रिव्यूअर सर के पास भी चलता हूँ, आप भी आपका वीडियो भी ऑन हो गया, तो सेकंड रिव्यूअर सर आप बताइए, आपको कोई सजेशन है सर से, कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है आपका? नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ये जो प्रेजेंटर है, इट वाज अ वेरी नाइस पेपर, वेल डिजाइंड एंड मोटिवेबल पेपर दैट आई हैव सीन इन योर जर्नल अभी तक जो देखा मैंने इसमें, क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं, ही सीम्स टू बी वेरी सीनियर पर्सन एंड ही कैरीड आउट द रिसर्च बेस्ड ऑन हिज प्राइमरी वर्क, दैट इज वेरी गुड थिंग. एंड बिकॉज दिस विलेज इज लोकेटेड जस्ट नियर द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ दिल्ली, सो इट कम्स टू द फैक्ट दैट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लाइबल टू हैपन ऑन दिस village and its resources. One thing, Dr. Saab, I would like to just point out. He has talked about kikar tree, kikar, which has now dominated I should say replaced all other species, local species of plants and trees that was found in the village. So I wanted to know whether this was planted, this was a plantation done by the government or the villagers, or it invaded the plants automatically. Could he respond by this one? Yes, it's very interesting phenomena. Dak sahab, jab ye expansion hua land use mein quarrying, pehle to kisanon ne eent ke bhatthe mein zameen ko bech diya, bhatthe wale ne top soil ko kaati to ped bhi kat gaye, fir dheere dheere वो सैंड माइनिंग में जब 50 फीट तक का रेत निकालेंगे तो पेड़ पूरे इलाके के गायब हो गए. ओवरऑल जो नेचुरल हैबिटेट था, और दूसरा ये एक कंटिन्यूटी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है डॉक्टर साहब, ये वो दौर था जब एलपीजी बहुत प्रॉपरली सब जगह नहीं आया था, और किसान गांव के सब लोग उसी गांव के पेड़ों को काट के अपने घर में फ्यूअल वुड यूज करते थे. तो जैसे ये गया और जब नए पेड़ आए, तो नेचुरल ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन से नेचुरली सक्सीड किया नेचुरल वेजिटेशन को की करने, दैट इज कॉल्ड प्रोसोफिस जुलीफ्लोरा. जुलीफ्लोरा ने नेचुरल सक्सीड किया. गवर्नमेंट ने यूकेलिप्टस लगाया था, लेकिन यूकेलिप्टस ओवर द टाइम खत्म ही हो गया, दोबारा नहीं आया, लेकिन सब जगह कीकर ही कीकर है इस गांव में. ओके ओके, ये इधर रीजन में यही सब हो रहा है, आपको चारा बुरी तरह फैल गया और लोकल जो स्पेशल ग्रासेस है दे आर डिसअपीयरिंग एट अ फास्टर रेट. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. वही उसी को हाईलाइट किया मैंने ये बताने के लिए कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, उससे ग्रास कम हो गई, एनिमल की डिपेंडेंसी, अगर वहां चरने के लिए पशु को भेज दे तो वहां ग्रास नहीं मिलेगी, कीकर मिलेगी, कीकर के नीचे घास नहीं होगी, मतलब है उसका. यस डॉक्टर साहब, दूसरी चीज ये मैं कहना चाह रहा था, वन ऑफ योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इज टू सजेस्ट सम यू नो रेमेडियल मेजर्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी. So I think whatever you have discussed till now, that is the existing thing. What the farmers are doing, generating electricity or whatever, that is their effort. I mean, what have you suggested concretely for sustainability? It should be clearly written here, sir. Okay, I try to identify. Actually, that always when there is the transformation takes place from primary to secondary and tertiary economic activities, always there is the crisis for sustainability.
जब भी हम खेती से दूसरे कामों की तरफ शिफ्ट करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। सो इट्स माय सजेशन वाज देयर, आई इनकॉर्पोरेटेड दो आई कुड नॉट रीड आउट एंटायर पेपर, माय सजेशन वाज दैट देयर शुड बी अ प्लान्ड डेवलपमेंट इफ द डेवलप एंड द या द पीपल लोकल पीपल शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लान्ड ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द रीजन. But I wanted to I wanted you to incorporate it in the text. Okay, sir? Yes. I'll give you more organized presentation of it. No, it was already very nice presentation. It was nice presentation. Second thing, it is lacking hypothesis and review of literature. Yeah, review of literature is there, Dr. Sir. मैंने highlight नहीं किया. अगर आप देखेंगे तो उसमें review of literature है. मैं उसको बाईपास मैं इसलिए बाईपास कर दिया कि उसकी बताऊंगा तो वो तो बनी बनाई चीजें हैं. मैंने क्या किया, मैं उस पे हाईलाइट करने लग गया. बनी बनाई नहीं है वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम इन हैंड. यस 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 सर. व्हाट इज इफ दिस इज दिस इज गोइंग टू हैपन, ये वाली बात सर. हमारे जी जो रिसर्च जर्नल का फॉर्मेट है उसमें भी हाइपोथेसिस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये अलग सेपरेट हेडिंग्स में आना चाहिए. और अच्छा सजेशंस भी डॉक्टर साहब, ये सजेशंस भी एक हेडिंग के अंतर्गत दे देंगे. हाँ जी, अभी नेक्स्ट में जो कहना चाह रहा था, इट इज गोइंग टू बी लास्ट वन, कि ये जो अभी क्योंकि एग्रीकल्चर हो नहीं रही है, लैंड हैज डिप्लीटेड वेरी एट फास्ट रेट, तो नेचुरली डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स उनकी रेयरिंग भी नहीं होगी. नहीं है सर, स्टॉक इज अ सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन टू एग्रीकल्चर, तो हो नहीं सकता है. और करेंगे भी तो कॉमर्शियल पर्पस से करेंगे. और जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी आपकी, बहुत बढ़िया जो आपने दिया है, लैंड प्राइस जो इंक्रीज किया ड्यूरिंग द लास्ट 30 इयर्स टिल नाउ, इट रेज्ड अप टू 6 crores फ्रॉम 30,000. यस सर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एवरीवेयर जब हम दिल्ली जाते हैं देहरादून से, देखते हैं मेरठ में जो बाईपास बना हुआ सर, कितने वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, फार्म हाउसेज है, एवरीथिंग, ये सब जगह हमें दिखाई दे रहा. और किसान खुश है, वो खुश है कि एक बुक्स उनको जो है करोड़ों रुपए मिल रहे हैं. तो फिर हमें एग्रीकल्चर को, क्योंकि वी कैन नॉट एक्चुअली वी आर एट द क्रॉस रोड्स ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. इज इट सो सर? Development, which of the two is to be chosen? The fact is that we need the both. Both of them we need. But very which has given priority? मैं कहना चाह रहा था. जी. जी डॉक्टर साहब. Actually, I got disconnected. Sir. मैं कहना चाह रहा था. आपने इसमें प्रेशर की बात तो की है. सर 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 एक मिनट. सर वो दूसरे वाले रिव्यूअर सर जुड़ जाएं. और तब हम लोग अपनी बात को शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा. ओके ओके एज यू प्लीज एज यू प्लीज. जी तो अयमन मैम आप दूसरे वाले रिव्यूअर सर को भी जोड़ लीजिए. यस सर ही इज जॉइनिंग. जी तो मैं तब तक अपने जो आथर सर को सर मैं बता रहा था कि इस देश में जो रिसर्च पेपर जब लिखे जाते हैं तो खाली लिख दिए जाते हैं और इससे वास्ता नहीं होता कि उनमें क्या लिखा जा रहा है. तो हम और जो हमारे सेकेंड रिव्यूअर सर के रूप में सर जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं. जब आप ऐसी मीटिंग तो हम लोग करते रहते हैं रिव्यू की, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत दिनों बाद आपका एक पेपर दिखाई दिया जिससे हम लोग बहुत खुश हैं, आसान भी थे कि नहीं कुछ हो रहा है. लेकिन एक उम्मीद ये है कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा और ऐसे ही सोशल रिसर्च फाउंडेशन अपने पेपरों को रिव्यू कराता रहा तो लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. क्योंकि ये हमारी जो मीटिंग्स हैं ये ऑनलाइन भी हैं, यूट्यूब पे इनका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है. तो कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है इससे कुछ ना कुछ सीखेगा, और जब सीखेगा जागरूकता फैलेगी तो चीजें और अच्छी होंगी. अयमन मैम लोग जुड़ रहे हैं? यस सर जुड़ रहे हैं. जी 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 सेकंड रिव्यूअर सर भी हमसे जुड़ गए हैं. सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. सर हाँ सर आप जुड़ गए? हाँ मैं कनेक्ट हो गया सर. ये नाम राइट. तो सर सेकंड रिव्यूअर सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज आप कंटिन्यू करें. जी
हाँ सर, पेपर बहुत अच्छा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, और सर सर, ने सर, वो, सर 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 वो जो रिव्यूअर सर थे पहले अपना रिव्यू दे रहे थे, उनको खत्म करने देते हैं हम लोग। अच्छा सर, ओके ओके सर, आप बोलिए। लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश विद इन टू मिनट्स जस्ट। ओके ओके ओके। इट कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड, द डेटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय सम ग्राफ्स और सम मैप्स। यू कैन यूज लाइन ग्राफ, कोरोप्लेट मैप, and that will be some impressive sometimes. Good. right ek jagah, ek do jagah reading mein hai, 909 likha hua hai shayad, uspe kuch hai, thoda proof reading ek bar go through kar lijiye. Okay I will check it out. And then last wala nahi dekh paya main, last mein kya findings kuch tha, kya kuch plan banaya apne, kya recommendation karenge, recommend kiya apne aisa kuch? Okay, I suggested the like a non-conventional approach, enterprising approach, like one farmer started biogas plant generating the methane gas out of the cow dung. Cow dung, they were supposed to throw it out to river Yamuna. Ultimately, they started generating very organic manure as well as methane. This is one suggestion, that we should shift towards the alternate sources of livelihood. Second is, farmers installed the solar power plant, one farmer installed 200 photovoltaic plates of 250 watt each. So they are selling their electricity to the private consumers, private consumers through DISCOM. Tata Power is the DISCOM here, and Tata Power is giving lakhs of rupees to the that farmer every month. That's very surprising to me. Then I checked the electricity bill on the, that is the solar meter, that solar meter move clockwise and anti-clockwise. दिन में अगर बिजली ज्यादा चलती है तो क्लॉकवाइज, और पैदा होती है तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगता है। सो फार्मर इज अर्निंग मनी। सो फार एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वन मोर थिंग आई मिस्ड हियर, अकॉर्डिंग टू दिस UNDPPP, द फार्मर इज अर्निंग द कार्बन क्रेडिट ऑल्सो, and these carbon credit, they are getting carbon credit, and from 2025 he will earn money from the carbon credit as per our COP24 agreement. So carbon credit solar power se generate karta hai kisan, aur usko 25 se aur zyada paisa milne lagega international funding se. That's very surprising sir. Mere ko bahut acha laga uska kaam dekh ke. These are my non-conventional searching. Maine ye search kiya, find kiya ke ye kya aur line se hatke kya hai. So these are the two approaches I highlighted in my last chapter, last paragraph. Okay, it's very nice sir, thank you very much. Theek hai, to sir isko hum approve mane aapki taraf se? Yes, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं जो दूसरे रिव्यूअर सर हैं आपके पास जाना चाहता हूँ, आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी सर, हम सुन नहीं पा रहे थे, प्लीज आप उसको कंटिन्यू करें। नहीं नहीं सब सही है, मैं केवल एक ही चीज कह रहा था, पॉपुलेशन प्रेशर की बात किया कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे एक ट्रेंड दिखा रहे हैं, शो द ट्रेंड ऑफ लास्ट 30 years, तो ऐसे पॉपुलेशन इंक्रीज का भी दिखाया था, अच्छा था। हाँ मैंने सर वो डेटा प्रॉपर नहीं दिखाया, मैंने गाँव में पॉपुलेशन का डेटा दिखाया है, और सर एक टेबल छूट गई, मैं अभी नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं, मैं आप, मैंने उस पे टेबल छोड़ दी, मेरी गलती हुई, वो एक टेबल छूटी गई मेरे से। इसमें कर दीजिएगा पायलट, गुड सजेशन सर। जैसे हमारे दूसरे रिव्यूअर साहब ने अभी कहा, डेटा तो ज्योग्राफी की जान है सर। यस सर, तो होता ही नहीं है, डायग्राम की बात उन्होंने की है, लाइन ग्राफ बताइए, कुछ भी आप बता सकते हैं, तो ये होना जरूरी है। और थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग दिस नाइस पेपर। अरे प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आप दोनों की तरफ से इस पेपर को अप्रूव करता हूं, जो सजेशंस हैं वो लेखक सर के सामने हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको, दोनों लोगों को, आथर सर को और दोनों रिव्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी हमारा ऐसे ही सोशल रिसर्च फाउंडेशन का सहयोग करते रहेंगे, ताकि हम हर पेपर को इस भारत, इस देश के सामने
एक अच्छे से रिसर्च को निकाल के रख सके। अच्छा इसके इट इज ए वेरी गुड गुड स्टार्ट। एक मिनट जरा, ये जो हमारे सर साहब हैं इनका एफिलिएशन कहाँ है, कहाँ पर है आप अभी? मेरे से पूछ रहे हैं सर जी, आप अभी कहाँ है सर एफिलिएशन? अच्छा, अब तो रिव्यू हो चुका है। डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में शिवाजी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अरे सर, नाइस टू सी यू सर। तो इसलिए मुझे आइडेंटिटी, चूंकि ये मेरे साथ जो बच्चे हैं ये काम कर रहे हैं और दोनों बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं एक्चुअली, जो जिन्होंने ये मेरे साथ काम किया है और बिल्कुल गाँव में जाके काम किया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरे अच्छे टर्म्स थे। अच्छा, किन से? जी बर्मन। अच्छा अच्छा, सावित्री बर्मन, सावित्री गाबा बर्मन। डॉक्टर साहब, आप तो क्लासिकल टाइम पीरियड में डी स्कूल आते रहे हैं। आई एम सो डिलाइटेड, शी वाज माय टीचर, शी टॉट मी, और अपनी रिटायरमेंट से पहले प्रोबेबली मेरा उनका उनके साथ लास्ट बैच था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर वो रिटायर हो गई थी। रामचंद्रन साहब तो कोयम्बटूर में जाके परमानेंट सेटल हो गए और हिंदुइज्म पे काम करने लगे, और नूर मोहम्मद साहब अभी दिल्ली में ही हैं, डोमरियागंज आते जाते रहते हैं।